में सस्त कुमारी और सस्त कुमारी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। और मैं आज फिर से आप लोग नया ब्लॉग लेके आ गई हूँ। और आज के ब्लॉग में मैं शेयर करने वाली आप लोग के साथ डेली मेकअप कैसे करें। विंटर का सीजन आ चुका है तो काफ़ी ज़्यादा सबको परेशान रहता है कि विंटर में किस तरह से मेकअप करें जिससे मतलब ड्राई ना हो स्किन और स्किन अच्छा रहे, लुकिंग अच्छा दिखे। तो मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ मेरा रेगुलर मेकअप जो विंटर में रहता है, तो मैं वो मेकअप आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आप लोग वीडियो पे बने रहिए और देखिए विंटर में आखिर किस तरह से मेकअप करें कि स्किन ड्राई ना लगे और खिंचाव ना लगे। तो आप लोग मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए। सो फ्रेंड, मैं सबसे पहले करूँगी अपना जो बाल है, मैं सारे बाल को सबसे पहले एक क्लेचर की सहायता से पहले मैं इसको अब्जॉर्ब कर लेती हूँ अपने बाल को पीछे में मोड़े ताकि मेरे फेस पे आगे से बाल ना आए। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी, स्किन मतलब होता है कि ठंडा विंटर आ जाता है तो पूरा ड्राई लगता है। मैं फेस को पूरी अच्छी तरह से क्लीन करके आ गई हूँ फेस वॉश से। और अब मैं क्या करूँगी, इस पर एलोवेरा एलोवेरा जेल लूँगी। देख सकते हैं ये रही मेरा एलोवेरा जेल। सो मैं सबसे पहले फेस पे एलोवेरा जेल से मसाज करूँगी। मैं एकदम सिंपल तरीके से बताऊंगी, मैं ज़्यादा कुछ मेकअप नहीं लगाऊं क्योंकि ये रेगुलर मेकअप है, डेली मेकअप है। तो डेली मेकअप अब देखिए इस तरह से कीजिए। तो देख सकते हैं पूरा मेरा सूख लिया है, पूरा देख सकते हैं अब जॉफ हो गया है मेरा फेस पे। सो देख सकते हैं फ्रेंड, मेरा पूरा एग जॉफ हो गया है। इसके बाद मैं अब मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करूँगी। तो आप लोग को मैं बता दूंगी कि मैं कौन सी मॉइस्चराइजर क्रीम यूज करती हूँ। एक दिन मैं अलग से वीडियो लाऊंगी मॉइस्चराइजर क्रीम का और उसका मैं रिव्यू भी आप लोग के पास शेयर करूँगी। तो ये रही मेरी मॉइस्चराइजर क्रीम। पूरे फेस में मैं डॉट डॉट करके लगा ली। इससे क्या होता है ना कि 24 आवर हमारे फेस को मॉइस्चराइजर करते हैं। अभी हो रहा है इवनिंग का टाइम, अभी शाम का 5 हो रहा है और मैं अभी आप लोग को दिखा रही हूँ मेरी डेली रूटीन हुई। मैं शाम के समय अभी मेकअप कर रही हूँ। सो देख सकते हैं ये जो मॉइस्चराइजर क्रीम है ना, बिल्कुल चिपचिपाहट नहीं लगते हैं, बिल्कुल इसका चिपचिपा नहीं। वो मॉइस्चराइजर मतलब 24 आवर इसका मॉइस्चराइजर भी रहते हैं और काफ़ी ज़्यादा ये है। आपको मैं शेयर करूँगी, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। अगर आप लोग बोलिएगा तभी मैं इसका शेयर करूँगी, अगर आप लोग कमेंट कीजिएगा तो। देख सकते हैं कितने अच्छे तरह से मेरा एब्जॉर्ब हो गया है। तो ये मैं डेली मेकअप ही लगा रही हूँ क्योंकि इसमें मैं ज़्यादा क्रीम नहीं यूज करूँगी। अगर आप लोग चाहिएगा पार्टी वेयर मेकअप तो मैं उसका भी वीडियो लाऊंगी कि पार्टी में आप लोगों को किस तरह से रेडी होना है, वो भी सिंपल तरह से लाइट वेट में, ज़्यादा मेकअप नहीं। सो देख सकते हैं कितने अच्छी तरह से मेरा अब्जॉर्ब हो गया और बिल्कुल भी ऑयली स्किन नहीं लग रहे हैं और ड्राई भी नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट लग रहे हैं। इसके बाद में फिटमी का देख सकते हैं कॉम्पैक्ट, इसको यूज करूँगी।
सुफरन में रूम के अंदर में बना रही हूँ वीडियो, और शाम का अभी 5 हो रहा है, अंधेरा भी हो चुका है, तो इसलिए वीडियो आप लोग को क्लियर आ रही है कि नहीं पता नहीं, इसलिए वीडियो उतना क्लियर नहीं आ रही है। और देख सकते हैं फ्रेंड, मैं पार्टी वेयर मेकअप करूँगी उस दिन, आप लोग को दिखाऊंगी कि पार्टी वेयर मेकअप किस तरह करते हैं। ये तो मेरा रेगुलर मेकअप है, डेली मेकअप है, इसलिए इसमें मैं ज़्यादा क्रीम यूज नहीं करती हूँ, ज़्यादा किसी चीज़ का। तो देख सकते हैं, हो गया मेरा कॉम्पैक्ट पाउडर भी यूज। अब मैं सबसे पहले मैं होठ पे, मतलब होठ पे सबसे पहले मैं वैसलीन यूज करूँगी, जो कि मतलब ड्राई ना लगे होठ मेरा। अब मैं हल्के से आई शेडो यूज करूँगी, एकदम हल्का, ज़्यादा नहीं। मैं बिल्कुल हल्के से की हूँ, क्योंकि पार्टी वेयर नहीं है, ये रेगुलर है, तो मैं एकदम हल्के से ली हूँ। ये मेकअप आप घर पे करके या फिर मार्केट वगैरह भी जा सकते हैं, मार्केट वगैरह में भी इसी तरह आप यूज कर सकते हैं। थोड़ा इसको जितना ज़्यादा आप इसको मिलाइएगा उतना अच्छा लुक आएंगे। तो दोनों आँख में मेरा लग चुका है। अब मैं आईलाइनर यूज करूँगी, ये रही मेरी ब्लू हेवन की आईलाइनर। फ्रेंड मैंने आईलाइनर भी यूज कर लिए हैं, देख सकते हैं दोनों से मेरा आईलाइनर हो चुका है। मैंने हल्के से आईलाइनर लिए हूँ, ज़्यादा मैंने मोटा नहीं सेप दी हूँ, देख सकते हैं ना, हल्के से है मेरा, क्योंकि पार्टी वेयर रहता तो थोड़ा सा डार्क करते, लेकिन रेगुलर मेकअप में ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अब मैं काजल यूज करूँगी, तो देख सकते हैं मैंने काजल भी यूज कर लिए हैं। अब मेरा आएगा बिंदी, हम लेडीज का होता है ना कि बिना बिंदी बिना सिंगार अधूरा रहता है, बिंदी और सिंदूर, ये दोनों के बिना सिंगार अधूरा रहता है। सो फ्रेंड मैं ज़्यादा बिंदी बड़ा यूज नहीं करती हूँ, तो छोटा सा बिंदी मेरा ये रही। और लिपस्टिक यूज करूँगी अब मैं, सो फ्रेंड मैं हाथ से यूज कर रही हूँ, क्योंकि ब्रश से अच्छा हाथ से लगता है, किसी किसी को होता है ना कि ब्रश से अच्छा लगता है, लेकिन मुझे हाथ से ही अच्छा लगता था ना।
देख सकते हैं मेरी लिपस्टिक लग गई। मैं ज़्यादा डार्क नहीं करने वाली हूँ, ये मेरा लाइट कलर है, ज़्यादा डार्क नहीं है लिपस्टिक, क्योंकि रेगुलर यूज में ज़्यादा डार्क अच्छा नहीं लगता है। तो वो देख सकते हैं मेरा हो गया मेकअप। अब मैं बाल को बना लेती हूँ। तो सबसे पहले मैं मांग पे सिंदूर भर लेती हूँ। सबसे पहले मांग को सिंदूर है। तो मांग को सिंदूर भरने से पहले हमें क्या करना चाहिए फ्रेंड्स, हम लेडीज़ को ना मांग में जब भी सिंदूर भरे तो मांग पे ऊपर दुपट्टा ले लीजिए, उसके बाद ही सिंदूर भरिए। सो फाइनल फ्रेंड मांग पे सिंदूर मेरा कर लेते हैं अच्छी तरह से। सो फ्रेंड आप चाहे तो रेड सिंदूर भी यूज कर सकते हैं। तो रेगुलर यूज के लिए मैंने पीला सिंदूर ही यूज करती हूँ। सो फ्रेंड मैं बाल को बांध लूँगी क्योंकि खुला रखना अच्छा नहीं लगता है घर पर। तो अभी मैं मार्केट नहीं जाने वाली हूँ, घर पे रहने वाली, तो इसलिए मैं बाल को भी बांध ली हूँ। और अगर मार्केट जाने तो फिर आप क्लेचर पीछे से दबा सकते हैं। एक दो आप छोटे छोटे बाल आगे से निकाल सकते हैं, इससे लुक अच्छा लगता है। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। आप चाहे तो इसको रोल भी कर सकते हैं रोलर से। तो देख सकते हैं मैंने निकाल लिए। देखिए मेरा बाल, सो फ्रेंड देख सकते हैं मेरा बाल।
सो हेलो फ्रेंड, आप लोग देख सकते हैं मेरा रेगुलर मेकअप इस तरह से कुछ होता है। तो आप लोग को ये वीडियो कैसी लगी, आई होप आप लोग को अच्छी लगी है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरह से ट्राई करिए घर पे। और मैं आप लोग के लिए अलग से मॉइस्चराइजर क्रीम का वीडियो लेके आऊँगी। अगर आप लोग कमेंट करके बोलिएगा कि मॉइस्चराइजर वाला क्रीम लाइए तो फिर मैं लेके आऊँगी। तो के लिए वो मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, स्पेशल उसी के लिए मैं बनाऊँगी। तो देख सकते हैं मेरा कुछ इस तरह से है। देखिए, तो हेलो फ्रेंड, आज का वीडियो आप लोग को कैसी लगी मेरी ब्यूटी टिप्स के बारे में, आई होप आप लोग को अच्छी लगी होगी। तो अभी शाम का 6 बज चुका है और मैं स्वेटर पहन ली हूँ क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, तो मैंने स्वेटर भी पहन ली। तो फ्रेंड, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिएगा। और जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्लीज़ आप लोग बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और भी आप लोग के लिए इसी तरह वीडियो आप लोग को मिलते रहेंगे न्यू न्यू। और मैं ब्लॉग वीडियो के साथ साथ आप लोग के लिए ब्यूटी केयर का भी वीडियो लेके आऊंगी। तो प्लीज मेरे चैनल को ढेर सारा प्यार दीजिए और सपोर्ट दीजिए। मैं आप लोग के लिए अच्छा अच्छा न्यू न्यू ब्यूटी टिप्स भी लेके आऊंगी क्योंकि काफी ज्यादा मुझे नॉलेज भी है ब्यूटी टिप्स के बारे में, तो मैं आप लोग के साथ शेयर जरूर करूंगी। तो आप लोग इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय फ्रेंड, जय हिंद, वंदे मातरम।